की लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप भी वही कर रही थी ना? पति कहूँ से वेदिका के बाद मुझे पूरा यकीन है मेरे गुड्डू पे, जो मैंने देखा उस पे। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया है आपके पति ने, इसलिए मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है। चाहे कानून उसे सजा दे या ना दे, पर मैं हर दिन उसे सजा दूंगी। रोज रोज इतना तड़पाऊंगी कि आप देख भी नहीं पाए। जुर्म के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसके जुर्म के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे पति के साथ मैं गलत से रूप लेने वाली दूंगी। अच्छा, अपने पति की बेइज्जती होने से बचाना चाहती हैं आप उन्हें? तो बोलिए, क्या कर सकती हैं आप अपने प्यार के लिए? कितना दर्द सह सकती हैं अपने जवान पति के लिए? आपके प्यार ने मेरे प्यार को छीना है। अब अपने प्यार को तड़पता हुआ बचाने के लिए कीमत तो देनी पड़ेगी ना आपको। सास की लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप भी वही कर रही थी? हाँ बड़ा यहाँ से लेना अपने पति। अपने पति? थोड़ा आगे जा, एक थोड़ा छोटी छोटी कर। अपने पति और सास की लंबी उम्र की कामना। आप भी वही कर रही थी? नहीं बस कर रही। एक्शन। नहीं बस कर रही। आप वही कर रहे थे?
केबल ठीक करना था, लाइट को देखो। पूजा कर रही थी अपने पति। आप भी
उसके अगेंस्ट हो चुकी है टोटली. सो इस वक्त मैं अभी उसे धमकी दे रही हूँ कि अब तो साहिल जो है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे सजा ना दूँ, क्योंकि मैं उसे इतना तड़पाऊँगी कि तुम देख भी नहीं पाओगी. सो अगर तुम चाहती हो कि मैं वो सब कुछ ना करूँ, तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा और तुम्हें उससे बुरी तरह से पेश आना होगा, उससे बात नहीं करनी होगी. बहुत कुछ बोला उसे और वह बहुत शौक हो गया मुझे थप्पड़ मारने का. तो सबके पीछे वजह क्या है जो आर्या इतना कुछ अपनी मम्मा के अगेंस्ट? क्योंकि जैसा कि आर्या को पता चला है कि साहिल ने मर्डर कर दिया है गुड्डू का. और गुड्डू से तो आर्या इतना प्यार करती थी और साहिल ने उसे मार दिया. उससे पहले से ही नफरत थी गुड्डू से. सो इतनी नफरत भर गई है अब आर्या के मन में साहिल के लिए कि वो अब साहिल और वेदिका दोनों से नफरत करने लगी है और टोटली उनके ऑपोजिट आ चुकी है और उनसे बदला लेना चाहती है. इसलिए मैंने अब क्षितिज से भी शादी कर ली और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर बदला लें. सुनने में आया आप साहिल को नौकर बनाने वाले हैं? तो यह है कि अभी मैंने जैसा बोला है कि मैं उसे बहुत तड़पाने वाली हूँ, मैं उसे बदला लूँगी. सो बदला लूँगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बार उसे मार दूँगी या एक बार कुछ कर लूँगी. तड़पा तड़पा के बदला लेने वाली हूँ, ऐसा कुछ होने वाला है अब आगे. सो मैं उसे इतना तड़पाने वाली हूँ कि मैं बोलूँगी कि अब मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, अब तुम लोग ही नौकर हो, तुम लोग काम करोगे, ये करोगे वो. सो बेसिकली इसके पीछे यही रीज़न है कि मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर उनसे बदला ले रही हूँ और वो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि यही वो आर्या है जो इतना अपनी मम्मी पापा से प्यार करती थी और अब इतनी नफरत करने लगी. साहिल से क्या क्या काम करवाने वाले, क्या क्या करते दिखते नजर आने वाले हैं? बेसिकली वो सीन हमारा हुआ नहीं है. सो मुझे नहीं पता कि हम क्या क्या करने वाले हैं. झाड़ू पूछा, कपड़ा उपड़ा मेरे पास, फिर भी हल्का सा कपड़ा धुलवाओ. अच्छा अच्छा देख बस लो. कारों से गया पकड़ के पीछे. दरवाजा कहीं लगे जा. डोर बंद कैसे आया? कैसे डोर में आया? बस यही पे झाड़ू लगा लूंगा. हाँ फिर क्या लाइन क्या है, क्या बोलते हैं?
हाँ बस मैं करता हूँ साहब। और तो मेरी खैरात भेज रही हूँ।
ज्यादा चले गए। राजी तुम कुछ चले जाओ, चले जाओ। मसाला ना ये ऊपर करना, जींस ऊपर करना, इसके पाँव के पास फेंकना एक्शन पे। तो मैं कहाँ से लूँ अभी जैकेट उतारना से? Okay.
ओके।